बजट की कुछ डिटेल्स अभी जो हमारी समझ में आई हैं, बाकी जब फाइनेंस ऑर्डिनेंस इंशाल्लाह हमारे पास आएगा तो उसको तो फिर टोटल उस पर स्टडी करके फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रिपल डाउन करके बजाय बॉटम अप पॉलिसी पे काम करना चाहते हैं, इसका मतलब जल्दी कैसी डेवलपमेंट है। अब ये जो 40% इंक्रीज की है डेवलपमेंट होगी पूरे मुल्क में तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी होगी, रोड बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट होगी। किसानों के लिए जो पैकेज दिया है वो बड़ी अच्छी बात है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स 6 लाख रुपए प्रॉब्लम अमाउंट है एकड़ के पीछे, और ट्रैक्टर के लिए भी इंटरेस्ट फ्री लोन किसानों को दिए जा रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी चीज है। स्मॉल हाउसिंग के ऊपर जो स्कीम आई है उस पर लो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर वो बिजनेसमैनों के लिए भी अच्छा है, और जिन लोगों के पास घर नहीं है गरीब लोग हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने घर देने की वादा किया ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है उनका। लाइट इंजीनियरिंग के ऊपर ड्यूटीज की कमी नहीं है वो भी हमारे स्टील सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज है, और इंशाल्लाह उसे स्टील सेक्टर को भी फायदे होंगे। इसके अलावा बजट की अमाउंट टोटल आप इस दफा का जो हमारा बजट है वो 8,400 बिलियन रुपीज का है, इसमें ग्रोथ टारगेट्स गवर्नमेंट के हैं, एग्रीकल्चर में 3.5, इंडस्ट्री ग्रोथ टारगेट 6.5, मैन्युफैक्चरिंग 6.2, सर्विस सेक्टर 4.7, कंस्ट्रक्शन ग्रोथ 8.3, बड़े अच्छे इंसेंटिव हैं। जीडीपी ग्रोथ टारगेट जो उन्होंने बोला है कि 2 से 3 साल में 7% पे ले आएंगे, और अगर इंशाल्लाह ये 7% आ जाएगा तो पूरे मुल्क में खुशहाली खुशहाली होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा बात करेंगे फाइनेंस ऑर्डिनेंस के बाद जब हमारे पास टोटल फिगर्स आ जाएंगे। अब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब को बोलूंगा जो उन्होंने बात करेंगे बजट के बारे में। एक तो खुशहाल ये है कि जी काफी हद तक सॉफ्ट बजट बजट इस दिया गया है, लेकिन पॉवर्टी वजह से बल्कि हालात को देखते हुए कि जो टारगेट इतना बढ़ाया है उन्होंने कलेक्शन का वही बढ़ाना चाहिए था, और इसमें छोटे जो टारगेट जो कि सिंगल शटर की हमारी डिमांड थी उसको उन्होंने नहीं देखा, उसको भी देखने की जरूरत थी। गाड़ियों का एक बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएट किया है कि गाड़ियों में उन्होंने सेल टैक्स 17 से 12.5% पे कर दिए हैं, ये बहुत अच्छा साइन है कि लोकल मैन्युफैक्चर जो हमारा है जो जरूरियात है वो इम्पोर्ट से देखा है कि काफी उन्होंने उसके ऊपर एक्सरसाइज किया है, और जो मैं तो इसमें देख रहा हूँ स्पेशल जो टेक्नोलॉजी जोन है 10 ईयर टेक्नोलॉजी वगैरह, और जो आईटी पॉलिसी है ये बड़ी एफिशिएबल है, एग्रीकल्चर पॉलिसी बहुत एफिशिएबल है, और इंडस्ट्री को लाइट इंजीनियरिंग को भी मैं देख रहा था कि उनके जो अवॉर्ड है उसके ऊपर ऑपरेटर जो भी उन्होंने काम किया है। अब सब डिटेल्स सब हमारे सामने आएंगी तो हमारा R&D उसके ऊपर वर्किंग करेगा, तो हम आपको डिटेल्स में बता सकेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री को क्या रिलीफ दिया गया। थैंक यू सर। शायद शेख साहब मेरा ताल्लुक, थैंक यू जी सर, मेरा ताल्लुक एक्सपोर्ट से है, एक्सपोर्ट्स के अंदर जो बातें देख रहे हैं हम वो अभी तो ये आ रहा है कि उसमें जो कस्टम ड्यूटीज हैं रॉ मटेरियल उसके अगर प्रेफर करते हैं तो ये कैश फ्लो है उसका प्रॉब्लम है, तो बहुत से फीचर जो हैं जो जैसे आपने कहा कि फाइनेंस एक्ट जो है कम आमदन वाला आदमी है उससे ऊपर लेके जाए माशी अगर आपको, तो इसका मतलब ये है कि हर एक फर्द को वो चाह रहे हैं कि हम टच करें और वो तरक्की करें, ताकि जब सारे फर्द टच करेंगे तो उससे इकॉनमी जाएगी फर्नीचर के नीचे ऊपर आए, तो ये बहुत बड़े सेविंग फीचर्स मैं उसके बारे में बताए। बाकी मेरे घर में बहुत अच्छी सारी फॉर्म की जरूरत, दूसरी तरफ उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी बूस्ट की है,
तो पाकिस्तान में 70% आदमी की पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर का ताल्लुक है। एग्रीकल्चर पे तो होगी तो उसमें आपकी रॉ मटेरियल जो आपका पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्ट आइटम है टेक्सटाइल्स, उसमें कॉटन की भी ग्रोथ है, वीट है, और आपके जितने इस वक्त फूड सिक्योरिटी आइटम है उससे फर्क पड़ता है। लाइफ स्टॉक पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अभी उसमें डिटेल तो नहीं आई पर टाइम शोर के इसके दोनों में जो एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक के लिए पैसे लगते हैं, ड्यूटीज वगैरह जो इम्पोर्टेड के ऊपर काम की है उन मटेरियल्स पे जो पाकिस्तान में नहीं होती वो भी डिटेल जब आपका फाइनेंस एक्ट आएगा उससे, बट वो में कोई इतनी हार्शनेस नहीं है और ये एक मुस्बत पहलू है। थैंक यू। 17,500 है, इसको उन्होंने खाली 20,500 की है, तो मेरे ख्याल में हमारे ख्याल में तो राइट स्टेप है, और क्योंकि आपको पता महंगाई कितनी हो गई है तो परसेंटेज बढ़ाइए, बेसिकली तो परसेंटेज बढ़ाइए, और मेरे ख्याल में एज मैं अपनी बात करूँ एज अ बिजनेसमैन और अभी जो मेरे साथ बैठे हैं जिनसे मेरी बात हुई है हम तो रेडी हैं पे करने के लिए। और दूसरा जो आपने बात की कि टैक्स जो बढ़ाया है उसको हमारे से कलेक्ट करेंगे, टैक्स नेट में बहुत इंक्रीज हुई है, कहेंगे नया टैक्स पेयर आया टैक्स नेट में, अब वो उसकी लिस्ट जब आएगी तो पता लगेगा 3 लाख के करीब कह रहे हैं नया टैक्स पेयर आया, तो प्रॉब्ली हमें जो अभी तक बजट में नजर आया हमारे पास ऊपर तो इतना कोई किसी चीज में नहीं डला अभी फिलहाल, लेकिन वो आगे जाके पता लगेगा जब ऑर्डिनेंस आएगा, लेकिन जो 3 लाख नया टैक्स पेयर है तो प्रॉब्ली उन्हीं से टैक्स पेयर होगा। तो मैं आपको सही बात बताऊं कितनी पॉइंट उन्होंने बोले हैं लेकिन क्लियरिफाई उन्होंने नहीं किया कि हर चीज में है क्या। ओवरऑल बजट यस आप कह सकते हैं बजट अभी ओवरऑल जो जितनी हमें अभी समझ आई क्योंकि कई चीजें तो उन्होंने क्लियर बताई भी नहीं ना, बता दी है कि इसमें मराद देंगे लेकिन क्या मराद देंगे। देखा है जब डॉलर और पेट्रोल ऊपर चला जाता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल और डॉलर नीचे आता है चीज कभी सस्ती वापस आती हमने नहीं देखी। लेकिन जो इंसेंटिव इन्होंने देखे किसानों के लिए दिए हैं, घरों के लिए दिए हैं, ये जाहिर बात है जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब चलेगा बेशक छोटे घर है बेशक उसमें छोटे घर होंगे जितने मर्जी छोटे घर होंगे दो कमरे के घर होंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से लेके क्या सेक्टर जो चलेगा सीमेंट चलेगा इनके बड़ा बजा चलेगा रेट चलेगा लेबर की बहुत डिमांड है इसमें तो पेट्रोल बढ़ेगा उसके ऊपर सब चीजों।